हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्लैमर क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी डीआईवाई रेमेडी जिसकी हेल्प से अगर गर्मियों के मौसम में आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली रहती है, चिपचिपी फील होती है, बहुत ज़्यादा स्किन डल फील होती है, टैनिंग हो गई है, तो आप इस डीआईवाई पैक को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफ़ेक्टिव है। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन पर अगर ऑयल है तो ऑयल कंट्रोल होगा, साथ ही साथ आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी। अगर आपकी स्किन में एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है, दाग धब्बों की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हो गई हैं, टैनिंग की प्रॉब्लम है, स्किन बहुत ज़्यादा डल फील कर रही है, स्किन पर कोई शाइन नहीं है, तो आप इस डीआईवाई पैक को ज़रूर ट्राई कीजिए। इसमें मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो अब बात करते हैं कि इस रेमेडी को बनाना किस तरीके से है। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपको एक क्लीन बोल लेना है, उसके बाद आपको इसमें एक चम्मच चंदन पाउडर ऐड करना है। चंदन पाउडर आपकी स्किन से दाग धब्बों को दूर करेगा, आपकी स्किन को वाइट एंड ब्राइट एंड और ग्लोइंग बनाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी पाउडर। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है तो आप मुल्तानी मिट्टी पाउडर इसमें यूज़ करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ऑयल कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 लेमन जूस। आपको उसमें आधा नींबू का रस ऐड करना है। नींबू का रस में स्किन वाइटनिंग एजेंट होता है, जिससे स्किन वाइट एंड ब्राइटन होती है, स्किन ग्लोइंग होती है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून हनी। हनी यानी शहद। शहद बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। ये हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। स्किन से अगर स्किन बहुत ज़्यादा डल फील कर रही है तो उसे दूर करेगा और आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। तो गाइस, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 से 2 चम्मच मिल्क। आपको इसमें कच्चा दूध लेना है। इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाने के लिए आप इसमें 1 से 2 चम्मच मिल्क ऐड कर लीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपको उसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं और एक स्मूथ क्रीमी सा पेस्ट तैयार हो जाए जो आपके फेस पर अच्छे से अप्लाई हो सके। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और आप देख सकते हैं कि मेरा डीआईवाई पैक एकदम रेडी है। आपको ध्यान रखना है, आपको इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरीके की रखनी है। ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ज़्यादा रनी होनी चाहिए जो आपके फेस पर अच्छे से अप्लाई हो सके। तो अब हमारा डीआईवाई स्किन वाइटनिंग रेमेडी एकदम रेडी हो चुकी है। अब बात करते हैं कि इसे यूज़ किस तरीके से करना है। इसको यूज़ करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप इसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं, दिन में एक बार। और आपको क्या करना है, इसको अप्लाई करने से पहले अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि आपके फेस पे जो भी डर्ट है रिमूव हो जाए। और उसके बाद आप इसे ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस पर इस पैक को अप्लाई कर लीजिए। गर्मियों के मौसम में स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली फील करती है बहुत लोगों की, टैनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन पर कोई शाइन नहीं रहती, स्किन बहुत ज़्यादा डल फील करती है। तो आप इस पैक को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको पहली बार में इसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। इस पैक को अप्लाई करने के बाद आपको 1 मिनट तक अपने फेस की मसाज करनी है। आपको मसाज ज़्यादा नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट तक मसाज करनी है। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपकी डेड स्किन रिमूव होगी। तो सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट तक अच्छे से मसाज करें और इस पैक को अच्छे से सूखने के लिए छोड़ दें। कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपको इस पैक को सूखने के लिए छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो अगर आप इसे वीक में 2 से 3 बार भी इस पैक को यूज़ करोगे तो धीरे धीरे आपकी स्किन का ऑयल कंट्रोल होने लगेगा और आपकी स्किन बिल्कुल भी चिपचिपी ऑयली नहीं लगेगी और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी। तो मैंने अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया और आप देख सकते हैं कि स्किन कितनी ज़्यादा अलग नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा क्लियर और शाइनी नज़र आ रही है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ भी फील कर रही है। तो आप इस DIY पैक को ज़रूर ट्राई कीजिए। इससे आपकी स्किन का ऑयल कंट्रोल होगा, साथ ही साथ स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। अगर आपकी स्किन में दाग धब्बे, एक्ने पिंपल्स, पिगमेंटेशन, टैनिंग की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होगी और आपको वाइट एंड ब्राइट एंड और स्पॉटलेस स्किन मिलेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको अगली नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।